हेलो बीबी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, दीन दुनिया की खुशियाँ दे, खुश रहें, आबाद रहें। तो आज मैं बनाऊंगी एग वाइट सॉस। एग वाइट सॉस बहुत मज़े का बनता है, ये बहुत मज़े की रेसिपी है, बच्चे बड़े सब पसंद करते हैं इसको और बहुत ही टेस्टी होती है। तो इसकी आए चलते हैं इसकी तरफ, बनाने की तरफ। ये मैंने 6 अंडे ले लिए, इनको तोड़ लेती हूँ। अंडे मैंने धो के लिए हैं, अच्छा होता है इनको वॉश कर लिया करें। गंदे मंदे होते हैं ऊपर से। तो ये 6 अंडे मैंने ले लिए, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, जितने आपको चाहिए। ये बहुत मज़े का बनता है और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही एक यूनिक रेसिपी, आज के रेसिपी। अंडे तो बनते रहते हैं ऑमलेट ये वो, लेकिन ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये 6 अंडे मैंने तोड़ लिए हैं, इसमें थोड़ा सा डालती हूँ नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, एक चुटकी के बराबर, और एक चुटकी काली मिर्च। इनको मिक्स कर लेती हूँ। काली मिर्च डाल ली एक चुटकी, एक चुटकी नमक, नमक इतना फुल नहीं डालना। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें। जो मेरे नए देखने वाले हैं, मेरी वीडियो नहीं देखने वाले हैं, वो सब्सक्राइब किया करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए। दिल खोल के सब्सक्राइब किया करें, कुछ नहीं होता, एक हाथ का ही होता है, हाथ बस एक चलाया और सब्सक्राइब किया। शुक्रिया बहुत बहुत जो कर रहे हैं। तो ये देखें, अंडे मैंने फेंट लिए, ये फ्राई पान मैंने चढ़ाया, चूल्हा जलाया, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ऑयल डालती हूँ बिल्कुल थोड़ा सा, ये ऑयल इतना नहीं डालना ना होने के बराबर, सिर्फ थोड़ा सा, 1 चम्मच। और ये जो मैं अंडे रखे फैट का वो डालने हैं, इसको ऐसे करना है, इस हाथ से करती हूँ ताकि नजर आए वाजिया। ये जो पक्का हुआ हमारा अंडा, ये अगली तर आगे ऐसे होता जाए और पीछे से ये ऐसे पकता जाए। आंच मैंने स्लो की है ताकि एकदम ना पक जाए। ये बहुत आसान है और बहुत ही मजे का है, पकाना बहुत ही आसान है। ये ऐसे टुकड़े टुकड़े इस शक्ल में पका लेना है। आँच मैंने थोड़ी सी फिर तेज की है, पहले मैंने स्लो की है दरमियान में, अभी मैंने थोड़ी सी फिर तेज की है ताकि ये टुकड़े
अच्छे तरीके से पक जाए, इनमें कच्चा पान ना रहे, ताकि कोई स्मेल वगैरह ना आए अंडे की तरफ से। इसको अच्छे तरीके से कुक करना है, कच्चा ना रहे, बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें प्लीज, तब पता चलता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें कितना डाला था, क्या डाला था, तो तब पता चलता है कि कितना डलेगा ये चीज आगे, क्या इसमें मसाले कौन से डलेंगे और क्या चीज डलेगी। तो ये मैंने टुकड़े टुकड़े करके पका लिया है, ये वीडियो में स्किप नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, पूरी मैं दिखा रही हूँ। जो बड़ा पीस है उसको तोड़ के ऐसे छोटा कर लेते हैं और इनको अच्छे तरीके से पका लेते हैं। बस इनको मैं उतार लेती हूँ इसमें, ये मैंने कढ़ाई चढ़ाई दोबारा, इसमें थोड़ा सा ये देसी घी खुशबू के लिए, मक्खन हो या घी हो, मकाया में डालूंगी ऑयली, बस थोड़ा सा मैंने खुशबू के लिए एक चम्मच डाला है। तो मैंने ये दो चम्मच, छोटे दो चम्मच खाने वाले मैदे के ले लिए छान के, बिल्कुल छोटे वाले चम्मच लिए मैंने। तो ये इसको भूनती हूँ, ये मेथी के दो चम्मच छोटे मैंने लिए हैं और एक चुटकी काली मिर्च डाली है। काली मिर्च पिसी हुई एक चुटकी डाली, जैसे ये इसकी मैदा भुनता है इसकी खुशबू बहुत मजे की आती है, कुटा हुआ जीरा हो, भुना हुआ या काली मिर्च हो, ये जो अंडे की स्मेल सी होती है वो खत्म हो जाती है। वैसे तो नहीं होती, कुछ लोगों को आती है। ये मैं दूध का एक पैकेट डाल देती हूँ, ऑल फॉर दूध मेरे पास, आप खुला भी डाल सकते हैं। पीछे छल्ली वाले आए हुए हैं, बाहर शोर मचाया हुआ है, आवाज आ रही है, डिस्क्रिप करना पड़ता है। तो ये मैंने एक पैकेट दूध का डाल लिया ऑल पर, आप खुला भी डाल सकते हैं, एक कप दूध का डाल सकते हैं। ये मैगी नूडल मसाला है, आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच जीरा भुना हुआ कुटा हुआ, और रेड मिर्च आधा चम्मच, और नमक आधा चम्मच। तो ये जो एग मेरे पास बना हुआ है ये भी इसमें डालती हूँ। चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, बहुत छली वाले आ गए थे, मैंने वीडियो रोकनी पड़ी मुझे। तो माशाल्लाह ये मैंने अभी इसमें एग डाला है, तो अभी मैंने इसका चूल्हा जला दिया है। माशाल्लाह ये देखें, टुकड़े टुकड़े अंडे के ये माशाल्लाह, और वाइट सॉस में काली मिर्चों में बना हुआ। ये मेरे पास कुछ चीज है, मोजरेला चीज,
ये स्किप भी कर सकते हैं, चीज ना हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बन जाते हैं। मैंने आंच हल्की की है, अभी इसको दम पे थोड़ी देर, 5 मिनट मैंने दम पे दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चीज देखें मेल्ट हो चुकी है, ये चीज देखें। इस हाथ से मैं पकड़ती हूँ तो कैमरे में नजर नहीं आती, माशाल्लाह ये चीज। इसको करती हूँ डिश आउट, इसके ऊपर डालती हूँ थोड़ा सा धनिया कलरफुल, जो कलर अच्छा आता है माशाल्लाह इससे। ये देखें अभी डिश आउट करने लगी हैं, तो माशाल्लाह डिश आउट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरी चीज देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये चीज ये एग, ये पिज्जे को माशाल्लाह पीछे छोड़ेगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, भी इसके ऊपर भाप है, मैं भी पकड़ नहीं सकती। ये देखें चीज, क्या जायका है इसका, ये जरूर बढ़ा के चेक करना माशाल्लाह। ये देखें ये चीज अभी घरों में चम्मच से दिखाऊंगी। ये देखें चीज, ये चीज, ये अंडे के टुकड़े और व्हाइट सॉस, दूध दूध का एक पैकेट माशाल्लाह, मक्खन घी डालें जो भी। ये देखें ये जरूर बनाएं, रेसिपी अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूर बना के चेक करना खाना, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि वाकई रेसिपी अच्छी थी। ये देखें, अपना ख्याल रखना, अगली नई नई वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।